बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मौजू एक ऐसा मौजू है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू न होती हो। दुनिया के हर कोने में, अखबारों में, मीडिया, फिल्में कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी ऐसे शख्स के बारे में गुफ्तगू करती हैं कि जो जुल्म से भरी इस दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा। इस डॉक्यूमेंट्री में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तसर तारुफ कराने की कोशिश की जाएगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम सन 255 हिजरी इराक के शहर सामर्रा में पैदा हुए। आपका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है और आपकी कुन्नियत भी रसूलुल्लाह वाली कुन्नियत यानी अबुल कासिम है। मासूमीन ने आपको आपके असली नाम से पुकारने से मना फरमाया है, उसकी जगह यह हुक्म दिया है कि आपको आपके अलकाबात से पुकारा जाए। आपके मुख्तलिफ अलकाबात हैं जैसे हुज्जत, कायम, खलफ़े सहले, साहिब ज़मा, बक़ियतुल्लाह और आपका मशहूर तरीन लक़ब महदी है कि जिससे पूरी दुनिया आपको जानती है। आपके वालिद ग्रामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं और वालिदा माजिदा बानुए ग्रामी नरगिस खातून हैं कि जिनको रिहाना, सुसन, सकील के नाम से भी याद किया जाता है। ये इतनी बुलंद मर्तबा खातून थी कि 10वें इमाम हादी अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी जनाब हकीमा खातून ने खुद को जनाब नरगिस खातून का खिदमत गुजार करार दे दिया। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक गैबत सुगरा है और दूसरी गैबत कुबरा यानी तोलानी गैबत है। गैबत सुगरा 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक है। 260 हिजरी वही साल है कि जिस साल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हो जाती है। गैबत सुगरा में इमाम अलैहिस्सलाम का राब्ता मुकम्मल ख़त्म ना था, बल्कि चंद मखसूस अफराद इमाम का पैगाम इमाम से लेकर लोगों तक पहुँचाते थे। इन्हीं अफराद को नायब खास या नवाब अरबा भी कहा जाता है। गैबत सुगरा वो दौर है कि जिसमें अफराद का डायरेक्ट राब्ता इमाम महदी अलैहिस्सलाम से ना होता था और इमाम भी लोगों को बड़ी और तुलानी गैबत के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर शुरू से ही तुलानी गैबत का आगाज हो जाता तो लोग तैयार ना हो पाते और गुमराही का शिकार हो जाते। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के 4 नायब थे। सबसे पहले अबू अम्र उस्मान बिन सईद अमरी, दूसरे अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी, तीसरे अबुल कासिम हुसैन बिन रूह और चौथे अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी थे। बस जब ये 69 साल का अरसा गुजरा और गैबत तुलानी का वक्त आ गया तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी नायब अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी को खत लिखा और फरमाया, ऐ अली बिन मोहम्मद समरी, तू 6 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अपने कामों को मुरतब कर लो और किसी को भी अपना जानशीन न बनाओ। मेरी इस गैबत का ज़माना ख़त्म हुआ है और अब मैं अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर ज़हूर नहीं करूँगा। मेरा ज़हूर एक तुलानी मुद्दत के बाद होगा कि जिसमें दिल सख्त और ज़मीन सितम से पुर हो जाएगी। कुछ लोग मेरे शियों से कहेंगे कि हमने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, तो आगाह रहो, जो भी सुफियानी लश्कर के खुरूज से पहले और आसमानी निदाह से पहले ये दावा करे वो झूठा है। बस छठे रोज जनाबे समरी का इंतकाल हो जाता है। यह गैबत का वो अरसा है जो 329 हिजरी से आज तक जारी व सारी है। इन सदियों में तारीख ने मुख्तलिफ तहव्वुलात मुशाहिदा किए, ऐसे तहव्वुलात और ऐसे वाक़ियात जो शायद ही कभी तारीख में गुजरे हों। इस गैबत कुबरा से हरगिज ये मुराद नहीं है कि इमाम इस दुनिया से उठा लिए गए हैं या किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं या ना दिखने वाले इंसान में तब्दील हो गए हैं, बल्कि गैबत कुबरा से मुराद ये है कि वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन लोग इनको नहीं पहचान पा रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से इरशाद फरमाया था कि इमाम महदी हर साल हज में शिरकत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आम इंसानों की जिंदगी गुजार रहे हैं। बस गैबत से मुराद लोगों में इनकी ज़ाहिरी शनाख्त का ना होना है। गैबत कुबरा में इमाम महदी अलैहिस्सलाम ऐसे सूरज की तरह दुनिया को नूर बख्शेंगे कि जो बादलों के पीछे हो, लेकिन उसके फैज से दुनिया में हक कायम रहेगा, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की हुज्जत के बगैर एक लहजा भी बाकी नहीं रह सकती। यही चीज़ मोमिनीन मुस्लिमीन को उम्मीद अता करती है कि कोई आएगा जो इस ज़मीन को बदल देगा, अदल का निज़ाम नाफिज कर देगा, जुल्म जोर का खात्मा कर देगा। बस एक तोलानी गैबत के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं, जिसमें चंद एक आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। पहली हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक कि एक मर्द साले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा, वो मेरी उम्मत की जमाम अपने हाथों में ले लेगा और जुल्म से भरी दुनिया को अदलो इंसाफ से पुर कर देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो फरमा रहे थे कि कयामत में अगर एक दिन भी बाकी रह जाए तो परवरदिगार इस दिन को इतना तूलानी कर देगा कि एक शख्स मेरी नस्ल से कयाम करेगा और जुल्म से भरी दुनिया को अदलो इंसाफ से पुर कर देगा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, उनका जल्द ज़हूर फरमाए और हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अंसार व आवान और मददगारों में करार दे।